ओवर टू यू बाबर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और बिल्कुल कल से हमारी सीरीज स्टार्ट है और लुकिंग फॉरवर्ड, और जिस तरह हमारा मोमेंटम चलता आ रहा है पिछली सीरीज में, जिस तरह हमने एक मोमेंटम कैरी किया वर्ल्ड कप से और अभी तक चलता आ रहा है, कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू करें। और सबसे ख़ास बात यह है कि हम यहाँ पे आए हैं अपनी होम सीरीज़ खेलने, और जो सबसे हमारे लिए खुशाइन बात यह है कि 100% क्राउड अलाउ है और हम सब उनका वेट कर रहे हैं, और वो भी हमें देखें आए, सपोर्ट करें और इंजॉय करें क्रिकेट। थैंक यू सो मच बाबर। अब हम क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। मेरी बस एक सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस को इस सीरीज के हवाले से रखिएगा, और दूसरा जो सिर्फ क्वेश्चन करे वो अपना माइक ऑन करे ताकि इको ना हो और वो ऑडियो क्वालिटी खराब ना हो। तो पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कादिर ख्वाजा से, अतीक भाई से, और फिर उसके बाद बदी भाई से। जी कादिर। बाबर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपको बेस्ट विशेस हैं इस सीरीज के लिए। मेरे दो सवाल है, आपके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहला सवाल ये है कि इस सीरीज में ना तो बैटिंग कोच है ना बॉलिंग कोच है, सकलैन भाई भी अबूरी कोच है, तो आपको नहीं लगता कि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में इन कोचेस का होना बहुत जरूरी है? और दूसरा सवाल ये है कि ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हमने जीता था तारीखी, उसमें आपको चेयरमैन साहब ने ये बताया था कि रोहित शर्मा और केएल राहुल को कैसे आउट करना है, तो क्या वाकई ऐसे हुआ था? सही है। देखें बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर मेरा ओपिनियन लेना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोचेस होने चाहिए प्रॉपर। दोनों टीम अगर प्लेयर्स की टीम पूरी होती है तो मैनेजमेंट की टीम भी पूरी होनी चाहिए, लेकिन पीसीबी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आपको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा बिल्कुल डिस्कशन होती रहती है उनके साथ, और जाने से पहले भी मेरी डिस्कशन हुई थी उनके साथ, तो अभी काफ़ी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि क्या बात हुई थी। बिल्कुल हमारी डिस्कशन होती रहती है इस चीज़ में। नागी एक मिनट सबके म्यूट कर दे प्लीज। अच्छा बाबर, एक ऐसे मौके पर जहां न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई थी, इंग्लैंड ने आने से इनकार किया था, ऐसे मौके पर अब सीरीज दोबारा शुरू हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो कैसा देख रहे हैं, कितना जरूरी था वेस्ट इंडीज का आना और यहां होम ग्राउंड पर मैचेस होना? थैंक यू। बिल्कुल काफी जरूरी था, जिस तरह हमारी सीरीज कैंसिल हुई थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे ख्याल से उनको यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूंगा वेस्ट इंडीज टीम को, कि जिस तरह वो आए और हमारा साथ दिया, और दोबारा वो चीज़ जो एक दोबारा हमारी बैठ गई कि पता नहीं अब टीम आएगी कि नहीं आएगी, कोई टीम आएगी या पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जितना क्रेडिट वेस्ट इंडीज़ टीम को दिया जाए उतना कम है, और जिस तरह वो आए हैं और इंशाल्लाह दोबारा वो चीज़ शुरू होगी और लोग इंजॉय करेंगे। लोग इस चीज़ का वेट करते हैं कि हमारी भी होम में क्रिकेट हो, और जिस तरह हमारी स्टार्ट हुई थी तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इंजॉय किया, तो इंशाल्लाह इस सीरीज में भी वो इंजॉय करेंगे। अच्छा बाबर, बाबर बड़े वेस्ट इंडीज के मेन खिलाड़ी नहीं है, तो समझते हैं कि सीरीज ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए? ये हमेशा यही बात होती है कि वो प्लेयर नहीं आए या उनके वो प्लेयर नहीं आए, ये हम बिल्कुल इस चीज पे हम बिल्कुल नहीं करते कि इजी लेंगे या उनके प्लेयर्स नहीं आए पूरे तो हम अपना 100% नहीं देंगे। देखें जो सी भी टीम आती है, जो सी टीम के अगेंस्ट भी आप खेलते हैं, आपको 100% देना पड़ता है, अपनी एफर्ट लगानी पड़ती है मैच जीतने के लिए, तो ये इजी नहीं होता कि आप जाएं और आराम से मैच जीत जाएं। अगले उनके भी सारे जो प्लेयर्स हैं वो CPL खेलने वाले हैं, कोई इंटरनेशनल वाले प्लेयर्स हैं, कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो हम किसी भी टाइम आप किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते। बाबर मेरा सवाल ये है कि शदाब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिए कि टीम का माहौल ऐसा है कि
हम सब खिलाड़ी कप्तान के लिए जान देने की तैयारी, मतलब ये कि एक स्प्रिट डेवलप हो रही है, तो कप्तान की भी इसी तरह की फीलिंग्स हैं खिलाड़ियों के लिए, और कैसा माहौल आपने बनाया हुआ है टीम के अराउंड, उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखें, एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है एज अ टीम या एज अ कप्तान, आपने टीम को कैसे लेके चलना है, कैसे आपने परफॉर्मेंसेस लेनी है उनसे, बिल्कुल उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, एज अ प्लेयर आपको हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है, और जब आप गिरते हैं, जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती, उस टाइम आपको किसी का साथ चाहिए होता है, तो कोशिश यही होती है कि उनको उस टाइम पे सपोर्ट किया जाए, और जितना उनको अपने साथ रखें, कभी उनकी आप उनको उनका सुनते हैं कि आप वो क्या चाह रहे हैं, कभी उनका हर चीज में इन्वॉल्व होना, उनको के क्या आपको चाहिए या कोई परेशानी तो नहीं है, आप सिर्फ फोकस होके खेलें, तो जो उनकी जो अंदर से वो एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल, वो उस पे जाके फिर उनसे डील किया जाता है, और मेरा सिर्फ ये होता है कि मैंने इनसे परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, तो वो उस हिसाब से मैं इनको ट्रीट करता हूँ, और बिल्कुल जैसे सारी टीम रिस्पॉन्स कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, मेन थिंग ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, और हर मैच में देखें हमारे हाथ में एफर्ट है, और हम एफर्ट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट हमारे हक में आ रहे हैं, तो यही चीज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब इस बार हम लास्ट टू क्वेश्चन लेते हैं, इमरान सिद्दीकी से ले लेते हैं, और लास्ट हम उसके बाद क्वेश्चन लेंगे उस्मान से। इमरान आप क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम बाबर। बाबर, सीरीज के हवाले से तो काफी सवाल हुए हैं, एक बहुत सारी वीडियोस आपकी चल रही थी विराट कोहली के साथ वर्ल्ड कप के दौरान, तो क्या बात आपने उनसे की और उन्होंने आपसे क्या बात की, और अब तो उनपे काफी मुश्किल टाइम चल रहा है, दो फॉर्मेट की कप्तानी से भी उनको हटा दिया, आपकी क्या गुफ्तगू हुई थी वर्ल्ड कप के दौरान? इमरान, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, एक्चुअली ये प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस तरह मैंने कहा अगर कोई वेस्ट इंडीज सीरीज के हवाले से है क्वेश्चन तो पूछ लें। अरे ये कोई कंट्रोवर्शियल थोड़ी, लाइटर सा एक सवाल है, क्या गुफ्तगू हुई थी यही पूछना चाह रहा हूँ मैं दोनों के दरमियान, अगर देना चाहे तो बाबर देने का जवाब। नहीं, अब जो डिस्कशन हुई थी मैं अब सबके सामने थोड़ी बताऊंगा क्या बात है। चलें, आप तो ऐसा करते हैं, एक एंड पे अली से क्वेश्चन ले लेंगे, उस्मान आप प्लीज अपना क्वेश्चन कर लें। अच्छा बाबर, ये बताएं कि सकलैन मुश्ताक जब से उन्होंने टीम को ज्वाइन किया है, पूरी कोच है वो, तो उसके बाद से टीम के अंदर काफी चेंजिंग भी आई है, गो के चेयरमैन रमीज राजा ने भी जो है आपको काफी सपोर्ट किया है टीम को, उनका किरदार आप कैसे देख रहे हैं? अभी तक वो इंटरिम कोच ही है, क्या आप समझते हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए भी हेड कोच बन जाना चाहिए? देखें, जितना भी सकलैन भाई के साथ काम किया है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और हमेशा वो प्लेयर्स को बैक करते रहे हैं और कर रहे हैं, और वो हमेशा यही कहते हैं कि प्रायोरिटी जो आपकी है वो पहले पाकिस्तान है, और हम 22 करोड़ अवाम के लिए खेल रहे हैं, तो उनको हमने खुश करना है, तो उसमें यही है कि वो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, प्लानिंग हमें बताते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या उनका जो उनका माइंड सेट होता है वो हमें बताते हैं, हम बैठ के डिस्कशन करते हैं कि जो टीम के लिए बेस्ट हो वो किया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट हमारे हाथ में आ रहा है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन अली। अच्छा बाबा, मेरा सवाल ये है कि कोविड इश्यूज जो हैं दुनिया भर में अभी भी कायम हैं, पाकिस्तान टीम भी जब इंटरनेशनल टूर होती है सम टाइम के खिलाड़ियों के भी पॉजिटिव आ जाते हैं, तो यकीनन आपको उस टाइम अफसोस होता होगा बतौर कप्तान कि मेरा खास खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेल रहा, ऐसी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी जो हैं अपना कोविड के शिकार हो गए, तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी बतौर कप्तान आपके जहन में जब कोई प्लेयर आपका हो और वो टीम में शामिल ना हो कोविड की वजह से? बिल्कुल, देखें जो अगर आपका कोई प्लेयर या कोई भी आपका टीममेट्स या मैनेजमेंट में कोई भी पॉजिटिव आता है तो आपका माइंड जाता है कि यार उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, कि मुश्किल टाइम है, देखें बहुत मुश्किल टाइम होता है, आइसोलेशन में रहना, एक जगह रहना बहुत मुश्किल टाइम है, और ये हम इस चीज़ से गुजरे हुए हैं, मैं नहीं बल्कि पूरी टीम गुजरी हुई है, तो बिल्कुल बहुत सी चीज़ें आती हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे आप जितना अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें बहुत चलती हैं उस दौरान, आपके पास करने को कुछ नहीं होता, रूम में आप सिर्फ बैठे होते हैं, बाउंड बंद होते हैं, तो उस दौरान बहुत नेगेटिव चीज़ें आती हैं, तो मेरे ख्याल से जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, और बिल्कुल जब आपका कोई मेन प्लेयर ऐसा कोई पॉजिटिव आया था तो आपका पूरा कम्बिनेशन खराब हो जाता है, आप फिर डिफरेंट सोचते हैं कि यार उसको कौन फील करेगा, तो काफी चीजें आती हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि
बेस्ट किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड है और इसको काफी देर से चलता आ रहा है और किसी को भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल से एहतियात बहुत जरूरी है, मास्क, हाथों को सैनिटाइजर करना बहुत जरूरी है, तो मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीजों को हम अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से कम चांसेस हैं कोविड होने। थैंक यू सो मच बाबर, थैंक यू सो मच आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का।